हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। एक बार फिर से मौजूद हैं हम TVS के iQube लॉन्च इवेंट पर। iQube हालांकि पहले मार्केट में ऑलरेडी मौजूद था, कुछ अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक वगैरह इस नए iQube में करे गए हैं, कुछ वेरिएंट वाइज एडिशन हुए हैं। तो बदलाव क्या हुए हैं, क्या एडिशन हुए हैं, चेंजेस क्या इस 2024 iQube में देखने को मिल रहे हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। अब डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो वो सब पहले जैसा है, कोई चेंज वहाँ पे नहीं है। DRLs आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैनल ब्लैक और बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कि LED हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। iQube की बैजिंग वगैरह है, सब कुछ पहले जैसा है। टेलीस्कोपिक फोक्स, फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह दिए गए हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो डिज़ाइन के हिसाब से भी यहाँ कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ST की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, iQube इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग है, ST की ब्रांडिंग यहाँ पर पीछे की तरफ इसमें दी गई है। अब एडिशन क्या हुआ है, इसमें जो है आपको 2.2 किलोवाट आर बैटरी पैक का एक नया ऑप्शन मिलता है। फिर 3.4 में आपको ST में भी एक ऑप्शन अब TVS iQube में दे रही है। फिर ST में जो है 5.1 किलोवाट आर बैटरी पैक का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। अदरवाइज डिज़ाइन के हिसाब से कुछ ये देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आएँ, यहाँ पे वही TVS का लोगो, क्यूब असिस्ट की बैजिंग वगैरह, LED टेल लैम्प वाला क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स भी, टर्न इंडिकेटर्स भी LED इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आएँ स्क्रीन की तरफ तो फीचर्स भी हालांकि वही हैं, कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे आएँ राइट साइड में आपको हैजर्ड लाइट स्विच, रिवर्स का स्विच एंड यहाँ पे इग्निशन स्विच देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम एंड जिसका इसमें क्लस्टर है, जो स्क्रीन है, इसको कंट्रोल करने के बटन्स, यहाँ पे टॉगल स्विच इधर दिया गया है, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। चैनल आते हैं, स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स हैं एक बार उसको देखते हैं। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको जनरल सेटिंग्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कनेक्टेड फीचर्स इसमें हैं, एलेक्सा का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, देन माई व्हीकल, प्राइवेसी, डॉक्यूमेंट्स आप सेव कर सकते हैं, देन प्रोफाइल, बैटरी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसके स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी इस TVS के iQube में। देन जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, जो रेंज वगैरह है, डिस्टेंस टू MT एंड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के आपको ऑप्शन, रेडी टू पेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बैटरी परसेंटेज एंड ऑडोमीटर वगैरह के ऑप्शन यहाँ देखने को आपको इसमें मिल रहे हैं। एंड इसमें जो है दो मोड दिए गए हैं, इको जो मोड आप अभी देख रहे हैं, देन इसको मैं प्रेस करूँगा बटन को राइट साइड में, देन पावर मोड, दो मोड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को इसमें मिलता है इस iQube के अंदर। सो मोटा मोटा कुछ ये देखने को मिलता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तकरीबन 32 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस यहाँ पर इसमें TVS iQube में ऑफर करती है। तो ये कुछ थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब प्राइस की बात करूँ जो यहाँ पर TVS ने प्राइस रखा, अगर वेरियंट प्राइस प्राइस की बात करें तो प्राइस जो इसका स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो वेरियंट है, उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है अराउंड 85,000 के आसपास एक शोरूम उसका प्राइस स्टार्ट है। एंड इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस के बाद प्राइस आपको पड़ेगा वो 10,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा अगर आप इसको बाद में लेट बुक करते हैं 30 जून के बाद। तो देन कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 2.2 किलोवाट आर वाला बैटरी पैक जो है उसका चार्जिंग चार्जर जो है वो है 950 वॉट का, लेकिन इसमें जो स्क्रीन है ये ST वाला नहीं है, उसमें आपको 5 इंच का कलर TFT स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड जो चार्जिंग टाइम है उसका 0 to 80% की बात करें 2.2 किलोवाट आर वाले की, वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास का उसका चार्जिंग टाइम है। उसमें फीचर्स की बात करें, व्हीकल क्रैश टॉयलेट का ऑप्शन है, टर्न बटन नेविगेशन है एंड ऑल्सो उसमें जो बूट स्पेस है वो अराउंड 30 लीटर्स का देखने को मिलता है अगर उस बेस वेरिएंट की बात करते हैं। तो प्राइस इसकी मैंने बताया आपको 85,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस उसका पड़ने वाला है। फिर जो 5.1 वाला टॉप वेरिएंट है, टॉप स्पेक वेरिएंट है इस TVS के iQube का ST वेरिएंट, उसका जो रेंज जैसे कि मैंने बताया 150 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज TVS क्लेम कर रही है। एंड चार्जर उसके साथ भी आपको 950 वॉट का मिलता है। उसका चार्जिंग टाइम जो है 0 to 80% वो 4 घंटे 18 मिनट के, 4.5 घंटे के आसपास का आपको टाइम मिलेगा। और उसमें जो आपको 118 के आसपास कनेक्टेड फीचर्स भी TVS ऑफर कर रही है, उसी में आपको वॉइस असिस्ट, एलेक्सा वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसमें जो बूट स्पेस 32 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। एंड टॉप स्पीड जो है इसकी वो है 82 किलोमीटर पर आवर की। एंड TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला फीचर भी TVS इसमें ऑफर कर रही है। एंड टॉप स्पेक का जो प्राइस है वो है 1,85,000 के आसपास एक शोरूम उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस यहाँ पर रखा गया है। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो उसमें आपको कॉपर ब्रोंज, कॉरल सैंड, टाइटेनियम ग्रे एंड स्टारलाइट ब्लू कलर ऑप्शंस आपको इस टॉप वेरिएंट में 5.1 वाले में देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके अलावा जो फाइनल 3.4 किलोवाट आर वाला ST में वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा गया है, उसका जो रेंज है 100 किलोमीटर का रियल रेंज है, उसमें आपको 7 इंच का कलर्ड TFT स्क्रीन सेम जो स्कूटर में दिया गया ST में वही देखने को मिलेगा। एंड चार्जिंग टाइम जो उसका है वो है तकरीबन 3 घंटे के आसपास 0 to 80% का चार्जिंग टाइम उसमें देखने को मिल रहा है। एंड सेम फीचर्स जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं ST के 5.1 वाले में, सेम फीचर्स वो आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी टॉप स्पीड जो है 3.4 वाले की वो अराउंड 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। एंड प्राइस जो है उसका वो है अराउंड 1 लाख
38,000 के आसपास एक शोरूम उसका प्राइस रखा गया है। सो ये कुछ एडिशंस इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक या कहें कि वेरिएंट के तौर पर टीवीएस ने अपने इस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऑफर कर रही है, जो टीवीएस अब नए वेरिएंट्स इसके लेकर आई है। 2.2 वाला बेस वेरिएंट है, देन 3.4 में अब एसटी में भी एक वेरिएंट है, देन टॉप स्पेक 5.1 किलोवाट आर वाला बैटरी पैक का ऑप्शन भी अब इस iQube में आपको देखने को मिल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज चेंजेस जो एडिशंस अब इस iQube के इलेक्ट्रिक स्कूटर में करे गए हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक को लेकर, रेंज को लेकर क्या मानना है, कीमत आपको कैसी लगी इस iQube की, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।